नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। तवा जलाशय मध्य भारत में, तवा नदी पर एक जलाशय है। ये बैतूल जिले के ऊपर मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले के इटारसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो सही आंसर इसका कोसी। अरुण नदी यानी नेपाली अस्तर नदी एक सीमा पर पार नदी है और नेपाल में कोसी या कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में होती है, जहाँ इसे फूंगचू या बूमचू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी। महानदी को उड़ीसा राज्य का शोक कहा जाता है। यह नदी भारत के दो राज्यों में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है और जग प्रसिद्ध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी है, वो उस पहाड़ी का स्रोत है। तो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है और यह नदी जनापाव पर्वत बांगुचू पॉइंट मुंह से निकलती है और इसका प्राचीन नाम है वो चरमणवती है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो लूनी नदी है वो अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ यानी स्नेक माउंट से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अजमेर नागौर पाली जोधपुर बाड़मेर और बालोतरा जालौर राजस्थान में 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात में कच्छ के गर्म में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो सही आंसर इसका नर्मदा। नर्मदा नदी जिसे स्थानीय रूप से कहीं कहीं रेखा नदी और रेवा नदी भी कहा जाता है, भारत के पांचवें सबसे लंबी नदी और पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है और फिर 1312 किलोमीटर यानी 1815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर यह ब्रूब से 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है, जो अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की प्रारंभिक विभाजक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो सही आंसर का नर्मदा। ज्वार नदी मुख या ज्वार नदमुख अंग्रेजी यानी एस्चुरी सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिससे एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा है वो जो भिन्न है। क्यों भिन्न है? तो कावेरी कृष्णा और गोदावरी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा नदी है पूर्व से पश्चिम की ओर दरार घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो महानदी है वो ज्वार नदी मुख या ज्वार नदमुख अंग्रेजी में इसको एस्चुरी कहते हैं। वो सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिससे एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं और जो दूसरे अंत में खुले सागर में से जुड़ा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ये ताप्ती नदी जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में बहती है और ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तक बहती है और खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसकी प्रधान उपनदी का नाम पूर्णा नदी है। इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। तो इसके साथ हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 4 रिवर्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए